देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रो बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं। भवरी देवी मर्डर केस में आरोपी परसराम बिशोई को मिली अंतरिम जमानत। अगस्ता वेस्टलैंड केस में लॉबिस्ट दीपक तलवार को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। अपर्णा यादव ने कहा प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कांग्रेस को फायदा होगा। संबित पात्रा बोले केजरीवाल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे। अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती 7 दिन से जारी अनशन से आई कमजोरी। सीएम वर्सेस एलजी, केजरीवाल ने फैसले को जनता और जनतंत्र के खिलाफ बताया। थोक महंगाई दर में गिरावट, जनवरी में 2.76% के स्तर पर। राहुल गांधी बोले मोदी की नफरत का जवाब प्यार से देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 1 बजे की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के रुद्रपुर आगमन को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। पूर्व सीएम हरीश रावत अरेस्ट, पीएम मोदी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ कई इलाकों में पड़े ओले, 2 फ्लाइट डायवर्ट। दिल्ली सरकार के 4 वर्ष, प्रदूषण नियंत्रण बना सियासत का नया हथियार। पुलिस जांच में खुलासा, होटल अर्पित के टॉप फ्लोर पर देर रात तक चल रही थी पार्टी। 9 साल बाद मिला पति की मौत का प्रमाण पत्र, कोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश। दिल्ली में लगातार 3रे दिन आग का तांडव, नारायणा में पेपर कांड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ध्वनि प्रदूषण न रोकने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 5 लाख जुर्माना। विपक्षी नेताओं ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मानी आपकी दावेदारी। दिल्ली सरकार के 4 वर्ष, शीला दीक्षित बोली बर्बादी का इतिहास है केजरीवाल का दौर। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली एनसीआर मेट्रो ब्रिटेन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।